के लोग बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। उस गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिस जंगल में कोई नहीं जाया करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में भूत है। इसी वजह से गांव के सारे लोग अपने काम दोपहर तक पूरे कर लेते थे और शाम होने से पहले ही घर लौट आते थे। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। बहुत दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। ऐसे ही एक रात को वो चुड़ैल गांव में आती है। हाय रे दैया, इतनी रात की कौन आया है? उसे बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए इतनी रात को मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम यही रुको, मैं अभी रोटी बनाकर लाती हूँ। अब सुषमा घर में जाकर रोटी बनाकर लाती है और उस पर एक प्याज रख कर घर का दरवाजा खोलती है। ये लो, आपकी रोटी और उस पे प्याज रखा है। अच्छा हुआ तुम ही बाहर आ गई, मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकालना था। अरे छोड़ रे कलमूही, डायन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ मुझे। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई मुझे। अरे छोड़ नासपिटी। चुड़ैल उसकी आंखों में देखकर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। अब सुषमा भी एक चुड़ैल बन जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन सुषमा, अरे क्या कर रही हो मेरी जाना, वो खंजर बाजू में रख दो। मैं तेरी कोई जाना वाना नहीं हूँ, मैं मेरी मालिक का हुक्म ही मानती हूँ। सुषमा उसे छोड़ देती है और शाम घर से भाग जाता है। सरपंच जी प्रणाम, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और वो मुझे मारना चाहती है। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग आया हूँ। वो बोलती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है कि लोगों को मार डाल, अब मैं क्या करूँ सरपंच जी? शाम, इस विषय में सोचकर निर्णय लेना होगा। अब सारे गांव वाले गांव में लौट आते हैं और उस चुड़ैल को मारने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उस गांव की एक औरत सगुना सामने आती है और वो काम करने की इच्छा दर्शाती है। इसमें खतरा है बेटी। अरे सरपंच जी, अपने गांव के लिए मैं इतना नहीं कर सकती, मैं ही ये काम करूंगी और उसे मार डालूंगी। ठीक है सगुना, तुम्हें ये काम दिया जाता है। अब सगुना रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही वो चुड़ैल आती है और सगुना के घर का दरवाजा खटखटाती है। सगुना खिड़की से ही उससे बात करती है। मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो, एक रोटी ही दे दो, मगर जल्दी दे दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी लाती हूँ। अब सगुना खाना लेकर बाहर आती है और चुड़ैल तुरंत ही उसे अपने वश में करने का प्रयास करती है। तभी सगुना अपनी कमर से वो गुड़िया निकालकर चुड़ैल के सामने पकड़ती है। जैसे ही चुड़ैल की दृष्टि उस गुड़िया पर पड़ती है, वो चुड़ैल उस गुड़िया में समा जाती है। सगुना उस गुड़िया को पकड़कर दौड़ी चली आती है जहाँ सारे गांव वाले खड़े हैं। गांव वालों ने वहाँ आग जलाकर रखी हुई थी। सगुना तुरंत उस गुड़िया को उस आग में डाल देती है। गुड़िया आग में डालते ही वो जलकर राख हो जाती है और उसके साथ साथ वो चुड़ैल मर जाती है। सुषमा और जानकी भी उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाती है। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अब गांव वाले फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं।